हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। तो लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि साइंस के कितने पार्ट हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, और हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा बायोलॉजी के ऊपर, कि बायोलॉजी क्या है उसके बारे में आज हम जान रहे होंगे। तो बने रहिए वीडियो में। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो गाइस, जब आप कहीं हिल स्टेशन पर जाते हैं तो आप ज़्यादा ऊँचाई पर अनकम्फर्टेबल महसूस करते होंगे, ऐसा क्यों होता है क्या आप जानते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कारण हो सकता है उसका? अगर आप नहीं जानते, बने रहिए वीडियो में, तो इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का अर्थ क्या है? बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो जिसका मतलब है जीवन, और लॉगस, लॉगस यानी अध्ययन। इसका पूरा मतलब हुआ कि जीवन का अध्ययन करना, यानी आप इसमें लाइफ के बारे में जान रहे होंगे। तो अब हमारे इसकी डेफिनेशन। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवन का अध्ययन किया जाता है, वह हमारा बायोलॉजी कहलाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोलॉजी इंट्रोडक्शन। तो जीवों के अध्ययन को सन 1802 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क ने, और उसके बाद जर्मन वैज्ञानिक ट्रेवेलस ने जीव विज्ञान का नाम दिया। लेकिन अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इससे पता चलता है कि बायोलॉजी का नाम लेमार्क और ट्रेवेलस ने रखा, लेकिन अरस्तु को ही इसका जनक कहा जाता है। तो गाइस, आज हमारी अर्थ पर लगभग 17 से 18 लाख जातियां ज्ञात हैं। तो इनमें से हम जंतुओं और पादपों में स्पष्ट रूप से भेद देख सकते हैं। इस प्रकार बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, एक हमारा पादप और वनस्पति विज्ञान और दूसरा है जंतु विज्ञान। तो इन्हें भी हम डिटेल में देखते हैं। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के कितने ब्रांच हैं? तो एक है हमारी बोटानी, और दूसरा है हमारा जूलॉजी, और तीसरा है हमारा माइक्रोबायोलॉजी। बोटनी को हिंदी में वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी को जंतु विज्ञान, और माइक्रोबायोलॉजी को सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। तो चलिए इन्हें डिटेल में जानते हैं। तो पहला है हमारा वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान क्या है? इसमें हमारे पेड़ पौधे, इनका अध्ययन किया जाता है। तो इस बायोलॉजी के जो हमारे जनक हैं वो है हमारे थियोफ्रेस्टिस। तो इन्होंने ही सबसे पहले पेड़ पौधों पर अध्ययन किया। अगला है हमारा जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान क्या है? इसमें हमारे जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, यानी उन्होंने ही जंतु विज्ञान इसका नाम रखा। अब हमारा नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, और इसके जनक हमारे ए वी ल्यूबनेहॉन्ग को माना जाता है, यानी उन्होंने ही इसका नाम रखा। तो गाइस, ये अब सूक्ष्म जीव क्या है? तो सूक्ष्म जीव जो है हमारे वायरस और बैक्टीरिया हैं, ऐसे ही और भी हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है हमारा डेली लाइफ एग्जाम्पल इन बायोलॉजी। तो चलिए देखते हैं। तो अब उस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने आपसे शुरू में पूछा था, तो उसका आंसर हम बायोलॉजी के हेल्प से समझ रहे होंगे। तो होता क्या है, जब आप ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो आपके शरीर को बदलते प्रेशर और ज़्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन के स्तर को कम करने का टाइम नहीं मिलता, जिससे आपको सांस लेने की दर बढ़ जाती है और ब्लड में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता जाता है, जिस कारण आप अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं। तो ये तो हुआ इसका पहला एग्जाम्पल। अब इसी तरह से देखें तो एग्रीकल्चर में भी बायोलॉजी का यूज़ है, और भी देखें तो हमारा फूड और ड्रिंक्स में भी बायोलॉजी का यूज़ होता है। इसी तरह से हमारा क्लोथ्स में भी यूज़ होता है, कि आप सर्दी में क्या पहने और गर्मी में क्या पहने, उस हिसाब के कपड़े बायोलॉजी की हेल्प से बनाए जाते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड। तो बायोलॉजी की मदद से ही हमारे ये सब कुछ होता है। जब आप बायोलॉजी को पढ़ते हैं तो तभी तो आपको पता चलता है कि क्या दवाई किस रोग के लिए है, और सबसे ज़्यादा यूज़ हमारा बायोलॉजी का इसी फील्ड में है। बायोलॉजी पढ़कर ही तो आप डॉक्टर बनते हैं। तो बस बायोलॉजी के बारे में इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।